उसके बाद क्या लेंगे? मुख से क्या करते हैं? तो मैं भी ऐसे बोलता हूं, आप समझ जाओ, तो बोलो ना, मुख से क्या करते हैं? बोलते हैं। और क्या करते हैं? खाते हैं। और क्या करते हैं? पढ़ते हैं। और क्या करते हैं? खाना खाते हैं, दांत दिखाते हैं, मुस्कुराते हैं, होंठ में और क्या करते हैं? लिपस्टिक लगाते हैं, सुंदर गाना भी गाते हैं, वही बात है, चिल्लाते हैं। लेकिन मुख से ये पांच कर्मेंद्रिय जो है सब महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें मुख का भी मुख्य एक पार्ट है। इसमें काफी सारा दांत भी है, जीभ भी है, होंठ भी है, ये सब जब मिलते हैं तब भाषा शब्द उच्चारण होते हैं, आया ना? कोई भी एक चीज की कमी हो जाएगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। दांत चली जाएगी तो और जीभ चली जाएगी तो आवाज चली जाएगी, होंठ नहीं रहेगा तो इस तरीके से ये सारी अंगों को सुंदर बनाना है। कैसे? सत्युग से जो अब तक हम बातें करते आए हैं, 2500 साल तो दिव्य भाषा थी, लेकिन द्वापर से अब तक हमने अपनी भाषा को बिगाड़ दिया। वो कहते हैं ना कि जीभ शब्द बोल सकता है, हड्डी तो नहीं है जीभ में, लेकिन कितने लोग हड्डी तोड़ गई? द्वापर में कौन कौन थे? बस चार बन बनते हैं। द्वापर में कौन कौन थे? अच्छा नीचे करो, नीचे मैं पूछूंगा, फटाफट उठाना द्वापर में। हाँ, जो जो थे द्वापर में, रानी लोग थे भाइयों में से, हाथ उठाओ। अच्छा भाई, माताओं में से राजा कौन थे? अच्छा भाइयों में से राजा कौन थे? हाथ उठाओ। जो हाथ नहीं उठा रहे वो क्या पैदल वाले? भाई द्वापर में भी राजा बन के लड़ाई किया या नहीं? बोलो, हम सभी द्वापर में थे, राजा था हमें। तो राजा रह के क्या क्या होगा? क्या तपस्या? क्या क्या था? क्या लड़ाई की थी? आक्रमण। एक इशारा किया तो सारे सैनिक लड़ पड़े। कितने लोग मरे? आपकी एक शब्द से कितने लोगों की जान गई? तो ऐसे लड़ाई करते करते इन जीव से कितनों की हड्डियां तोड़ी आपने? वो कहते ना, गुण ना दो, आगे के लाइन बोलो ना, सबको पता है गुण जैसा। अरे सभी बोलो, पीछे वाली की माताओं की आवाज नहीं आ रही है। गुण ना दो लेकिन बोलो भाई, उनको बोलो गुण ना दो लेकिन मीठा बोलो। जब मीठा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, और सबसे अच्छा इसलिए ओम ध्वनि में सिखाता भी सिखाने वाला हूँ, गुड़ ना दो मीठा जैसे बोलो, मीठा बोलने से आपकी होंठ लाल हो जाएगी। माने यहाँ नहीं, सत्य के लिए, 2500 साल के लिए। मैं भी अच्छा, वो भी अच्छा, नहीं मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन वो जो कर रहा ना, सुन नहीं सकता, वो अच्छा हो ही नहीं सकता है। अरे आपको क्या पता है उसके बारे में? आप क्या जानते हो? मैं झेल रहा हूँ, ये शब्द को अभी डिलीट करना। कभी कभी हम उच्चारण करते हैं, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। एक बार मैं ऑफिस में बैठा था, बहने आए, भाई साहब थोड़ा डिस्टर्ब करो, मैंने कहा नहीं। मैं आपको तकलीफ तो नहीं दिया, हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं आपको थोड़ी सी तकलीफ दूंगा, मैं काट रहा हूँ आपको। फिर फोन किया, हेलो हेलो, मैंने क्या हो भाई साहब, फोन कट गया। मैंने कहा आपने कहा तकलीफ दी, क्यों मैं तकलीफ लूँ आपका? शब्दों को कलयुग में इतना सुंदर उपहार देते हैं शब्दों की, डिस्टर्ब तो नहीं करते। अरे क्या मतलब है? आप बोल सकते हो, थोड़ी सी सेवा ले सकते हैं, हाँ या ना? ये बार बार डिस्टर्ब अंतर मन पूछ रहा है क्या चाहिए? डिस्टर्ब डिस्टर्ब डिस्टर्ब, ओके खुद एक दिन डिस्टर्ब हो जाओ। वरदानी बोल बोलने वाले नेगेटिव शब्दों को उच्चारण करना चाहिए, नहीं। तो
और शब्द कैसे आना चाहिए। लेकिन इन शब्दों को डिलीट करना है, कभी नहीं बोलना चाहिए। जितने भी नेगेटिव तकलीफ दिक्कत आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आपको पूछना चाहिए वहां क्या बोलना चाहिए, आप अच्छे तरीके से आएंगे ना, ये बोलना चाहिए। नहीं बोल सकते? हाँ बोले, बड़ा प्यार है हमसे भी, ये शब्द बोल के उनको प्यार दिखा रहा हूँ। ये प्यार नहीं है, तकलीफ उनको शब्दों के बाण मार रहे हैं। द्रौपदी ने एक शब्द मारा था, अंधे के लोग माँ बाप लड़ाई शुरू होगी, और हम अनजान में आप किसी को बोल सकते हो मेरे प्यारे दोस्त गाल दिखा ले थप्पड़ दे, खुश हो जाएगी वो। अरे दोस्त है, खुश होगी मेरे मीठे भाई, आ ले थप्पड़ डंडा को, दोस्त आया ले थप्पड़ डंडा मारा, खुश हो जाएगी। मजाक में, मजाक में, मजाक में उसकी बात को खींच लो चौक से, मजाक में कर रहा हूँ, नाराज थोड़ी होगा, होगा या नहीं। तो शब्दों की बात भी हमें मजाक में ना खुद के ऊपर ना दूसरों के ऊपर देना है। क्या बात कर रहे हो, हमने अपने भगवान को भी नहीं छोड़ा तो बच्चों को कहां छोड़ेंगे, बदमाश नटखट शैतान, मैं प्यार से बोल रहा हूं। अच्छा ये बताओ, चोर का डेफिनेशन कोई अलग है, अच्छा है कुछ? बदमाश का डेफिनेशन कोई अच्छा है? शैतान का डेफिनेशन कोई अच्छा? शैतान माने शैतान, शैतान बच्चा, बच्चा बचपन से उसकी अंदर मन में भर रहे हैं आप, तो क्या बड़ा होके क्या बनेगा, क्या बनाना चाहते हैं, क्या बना रहे हैं। आने वाले समय पर भगवान मास्टर भगवान बनके सबको वरदान देना है, और ऐसे शब्द निकालेंगे ऐसे से तीर। नहीं मैं दूसरों को थोड़ी बोला, मैं खुद को बोला, मैं पागल हूं क्या, मैं पागल हूं क्या, एक दिन पागल हो जाऊंगा। भगवान के प्यार में कोई पागल नहीं होता है, दीवाने होते हैं, है या ना। आप एक काम करो, ब्लेड ले लो, चाकू ले लो, मजाक में कुछ नहीं होगा ना, होगा या नहीं, मजाक में। तो शब्दों की हथियार से कोई बड़ा हथियार है, शब्दों की बाण से कोई बड़ा बाण है, तो हम अपने ऊपर क्यों चल रहे हैं। नहीं नहीं वैसा वो तो मैंने मजाक में बोला था, तो मजाक में घुसा दो किसी को, सुई ले लो घुसा दे, मजाक में। तो छोटे छोटे शब्दों की बाण की सुई हम अपने लिए, अपने लिए भी खाते करते हैं, दूसरे के लिए भी। इसलिए ब्राह्मण बच्चे जो फरिश्ते बनने वाले हैं, कभी भी अपने मुख से ऐसे शब्द नहीं निकालेंगे, पक्का आवाज नहीं निकलेगी, जब मुस्कुराओगे नहीं आवाज कहां से निकलेगी, बोलो पक्का। मैं भी अच्छा, वो भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, जब से बने प्रभु तुम्हारे जीवन अच्छा, हाँ जब से बने प्रभु तुम्हारे जीवन अच्छा, मुस्कुरा कर बोलो जब से बने प्रभु तुम्हारे जीवन अच्छा, लगता है ना। ना दूसरों को बुरा सोचना, दूसरों के लिए सोचना, ना खुद के बारे में भी सोचना, इसलिए बाबा सुमान देते हैं। नेगेटिव शब्द मुख से कभी नहीं निकाल रहे। वाह वाह, और दो दिन से लिपस्टिक लगा रहे हो, बढ़िया, आनंद आ गया, बोलो ना आनंद आ गया, मजा आ गया। और अभ्यास करना सुबह से लेकर शाम तक, चप्पल पहन लो वाह मजा आ गया, कपड़े पहन लो वाह मजा आ गया, स्नान कर लिया मजा आ गया, खाना खा लिया। एक बार शब्द को उच्चारण करना जरूरी है, तब आपकी आदत बनेगी, और ये आदत बनानी है। और जब भी आपको चोट लगेगी कोई भी बात होगी, ऑटोमेटिक शब्द निकलेगा, क्योंकि आदत पड़ी हुई है, आया ना। वो व्यक्ति सोया हुआ था, कहां अपने बेड पर, दिन भर टेलरिंग काम करता था, आज उसने सपने देखा काफी कपड़े आए हैं, काटता रहा, देखा तो सुबह उठ के सारे लदे टुकड़े टुकड़े पड़े हैं, क्योंकि आदत पड़ी हुई है, आया ना। अगर हमारी आदत अच्छी वाली हो जाए, बढ़िया। मुंह में तेल लगाया, क्या बोलोगे, नंगी किया, क्या बोलोगे, ये आदत बनानी है। किसी से मिलते रहो, ओम शांति, बढ़िया, वाह आनंद आ गया, अच्छे अच्छे शब्दों की रचना करो, तो ये आपकी होने की नाली बन जाएगी 2500 साल की, पक्का।
अपर क्लास का बहुत बड़ी बहन है, करीब 1500 महिला है। एक कुमार था ऐसे कर रहा, भाई क्या हो रहा है? भाई साहब आप जो बता रहे हो ना बहुत गहरी बात है। देखा इतनी गहरी लेकिन होते ही नहीं क्या था, फटाफट परिवर्तन।